हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ बैंकिंग एंड एसएससी। तो आज हम लोग करने वाले हैं फाइव इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एसबीआई एग्जाम के लिए। तो आप इस वर्ड प्रॉब्लम को अच्छे से कीजिए, समझिए कि इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है और इसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन अगर आपको करना है तो पहले क्वेश्चन के साथ ही आप वीडियो पॉज करके पहले आप इसको सॉल्व कीजिए और उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखिए। जैसे कि आप देख रहे हो, आपको बोल रहे हैं कि ए बी एंड सी स्टार्टेड अ बिजनेस विद देयर इन्वेस्टमेंट इन द रेशियो ऑफ 1:3:5। उसके बाद बोल रहा है कि आफ्टर 4 मंथ ए इन्वेस्टेड द सेम अमाउंट एज बिफोर बट सी एज वेल एज सी विड्रॉ हाफ ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, फाइंड द रेशियो ऑफ प्रॉफिट एट द एंड ऑफ ईयर। मतलब मुझे रेशियो निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे कौन कौन है पार्टनरशिप में। देखो ये क्या है, ये मिक्स पार्टनरशिप का केस है। तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि पार्टनरशिप में जो होता है प्रॉफिट कैसे डिवाइड होता है। तो प्रॉफिट डिवाइड होता है अमाउंट और टाइम इसके प्रोडक्ट के रेशियो में। तो यहाँ पे मतलब तीन लोग हैं, मान लेते हैं कि ए बी एंड सी, इसके प्रॉफिट का हम लोग बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो अमाउंट दिया है, बोल रहे हैं कि ए बी एंड सी जो है वो इन्वेस्टमेंट के अंदर रेशियो ऑफ 1:3:5। तो सिंपली हम लोग मान लेते हैं कि ए जो है वो 1 रुपीज इन्वेस्ट किया, बी जो है वो 3 रुपीज इन्वेस्ट किया और सी जो है वो 5 रुपीज इन्वेस्ट किया। जो रेशियो दिया है उसी को मान लो, ठीक है। और उसके बाद क्या बोल रहा है कि आफ्टर 4 मंथ ए इन्वेस्टेड द सेम अमाउंट एज बिफोर एंड बी एज वेल एज सी विड्रॉ हाफ ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। मतलब आफ्टर 4 मंथ, अप टू 4 मंथ क्या हुआ, आफ्टर 4 मंथ ए कुछ पैसा और इन्वेस्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि अप टू 4 मंथ ए का जो है वो कितना रहेगा, 4 रुपीज रहेगा और बी का कितना रहेगा, वो 3 रुपीज रहेगा और सी का भी क्या होगा, 5 रुपीज ही रहेगा। अप टू 4 मंथ का सिनेरियो ये है, ठीक है। उसके बाद 4 मंथ के बाद क्या हो रहा है, क्वेश्चन में ऐसा बोल रहा है कि आफ्टर 4 मंथ ए इन्वेस्टेड द सेम अमाउंट एज बिफोर। देखो यहाँ पे छोटा सा गलती होता है, यहाँ पे बोल रहे हैं ए इन्वेस्टेड द सेम अमाउंट एज बिफोर। तो बहुत लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 1 ले लेते हैं। तो यहाँ पे आपको 1 नहीं लेना है। मान लो आपने 1 रुपीज इन्वेस्ट किया था ऑलरेडी, 4 मंथ के बाद आप सेम अमाउंट और इन्वेस्ट कर रहे हो, मतलब और 1 रुपीज उसमें ऐड कर दे रहे हो, तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 2 रुपीज, ठीक है। और ये कितने टाइम के लिए रहेगा हम लोग देखेंगे। और उसके बाद ये बोल रहा है कि बी और सी क्या किया, उन्होंने अपना हाफ इन्वेस्टमेंट विड्रॉ कर लिया। मतलब क्या है, बी का देखो यहाँ पे कितना रुपीज था, 3 रुपीज था और मान लो वो हाफ विड्रॉ कर लिया। हाफ विड्रॉ करने का मतलब 3 में से हाफ निकाल लिया कितना हो जाएगा, वो 1.5 हो जाएगा। इसका मतलब इसका 1.5 रुपीज बच जाएगा। कितने टाइम के लिए रहेगा देखते हैं हम लोग। और सी भी सेम उसी तरीके से पहले 5 रुपीज इन्वेस्ट किया था, 4 मंथ के बाद क्या किया, हाफ अपना विड्रॉ कर लिया। तो हाफ विड्रॉ किया मतलब इसका कितना बच जाएगा, 2.5 रुपीज बच जाएगा। अभी हम लोग देखते हैं कि कितने टाइम का कैलकुलेशन करना है। तो उसके लिए प्रॉफिट ये लोग कब डिवाइड कर रहे हैं, तो आप देख रहे हो यहाँ पे बोल रहे फाइंड द रेशियो ऑफ द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ ईयर। मतलब मुझे 1 साल का कैलकुलेशन करना था। इसका मतलब देखो ये 4 मंथ हो गया, तो रिमेनिंग जो 2 है वो कितने टाइम के लिए रहेगा, 8 मंथ। इसका जो है वो भी कितने टाइम के लिए रहेगा, 8 मंथ। और इसका 4 मंथ हो गया, मतलब रिमेनिंग क्या होगा, 8 मंथ के लिए होगा, ठीक है। अगर आपने पार्टनरशिप का क्लास अच्छे से किया है तो आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अभी देखो इसका हम लोग कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो कैलकुलेशन में देखो एक तरीका तो यही है कि आप मल्टीप्लाई करके ऐड करो और उसके बाद रेशियो निकालो। और दूसरा तरीका ये होता है कि हम लोग कॉमन लेके कैंसिल आउट कर सकते हैं। इससे क्या होता है, आपका कैलकुलेशन बहुत जल्दी हो जाएगा। जैसे अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे देखो 4 है और यहाँ पे भी क्या है, 8 है। मतलब यहाँ से हम लोग 4 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 8 है। मतलब सारे में से हम लोग 4 कॉमन लेके कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो अगर हम लोग कैंसिल आउट करते हैं तो मान लो ये 4 गया और यहाँ पे क्या होगा, 2 टाइम्स 4 से, यहाँ से 4 कॉमन लोगे तो ये हो गया और यहाँ पे क्या बच जाएगा, 2 टाइम्स, और यहाँ से 4 कॉमन लेंगे तो ये क्या बच जाएगा, यहाँ से 2 टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल कितना हो रहा है, ये देखो ये 1 + 2 × 2 = 4, 1 + 4 कितना हो गया, 5, यहाँ पे क्या हो गया, 3 + 1.5 × 2 कितना होता है, 3 + 3 = 6, और यहाँ पे ये 5 है और ये 2.5 × 2 = 5 और हो गया, तो ये 5 + 5 कितना हो गया, 10। तो आपका जो रेशियो होगा एट द एंड ऑफ ईयर प्रॉफिट का वो कितना हो जाएगा, 5:6:10। और ये इसका आंसर था। फिर से एक बार मैं देखो रिपीट कर दे रहा हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे देखा कि इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था, 1:3:5। तो मैंने मान लिया कि ए 1 रुपीज इन्वेस्ट किया, बी 3 रुपीज और सी 5 रुपीज। और उसके बाद बोल रहे हैं आफ्टर 4 मंथ, इसका मतलब ये जो 1, 3, 5 जो था वो कितने मंथ के लिए था, 4 मंथ के लिए था, इसलिए मैंने यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया था। उसके बाद देखा आफ्टर 4 मंथ क्या हुआ, तो ए क्या कर रहा है, अपना सेम अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है। मतलब पहले 1 रुपीज था और 1 रुपीज डाल दिया, कितना हो गया, 2,
और हम लोग कैलकुलेशन पूरे 1 ईयर के लिए कर रहे हैं, इसका मतलब ये जो 2 रुपीज़ होगा और 8 मंथ के लिए होगा, तो इसलिए यहाँ पे 8 लिखा। यहाँ पे क्या था, 3 जो था मतलब बी जो था पहले 3 रुपीज़ इन्वेस्ट किया था और उसके बाद क्या किया, हाफ विड्रॉ कर लिया था, तो 3 से हाफ विड्रॉ कर लिए, कितना हो गया ये 1.5 हो गया और ये 8 मंथ के लिए रहेगा। सेम यहाँ पे सी का 5 रुपीज़ था और वो भी हाफ ही विड्रॉ किया था, मतलब 2.5 विड्रॉ किया था, तो कितना हो गया इसका 2.5 और ये 8 मंथ के लिए, उसके बाद जस्ट कैलकुलेशन किया है। तो देखो पार्टनरशिप में अगर आपसे क्वेश्चन रेशियो रिलेटेड पूछ दे तो वो कहीं ना कहीं आसान होता है उससे, जहाँ पे कि आपको वैल्यू निकालने के लिए बोलता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये प्रॉफिट एंड लॉस का है। तो यहाँ पे जैसा देख रहे हो आपको बोल रहा है सेलिंग प्राइस बिकम 3 टाइम्स प्रॉफिट बिकम 5 टाइम्स देन फाइंड द इनिशियल प्रॉफिट परसेंट। देखो ये लैंग्वेज थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ध्यान से समझो। यहाँ पे बोल रहा है कि अगर सेलिंग प्राइस 3 टाइम्स कब हो जा रहा है, जब आप प्रॉफिट को 5 टाइम्स कर रहे हो, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से सोच सकते हो, चलो मान लेते हैं कि जो मेरा कॉस्ट प्राइस है अगर मान लेते हैं वो 100% है और इसमें मैं पी का प्रॉफिट ले रहा था ₹, तो इसका मतलब जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना हो जाएगा 100% प्लस क्या हो जाएगा पी, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है सेलिंग प्राइस। अभी हमको क्वेश्चन में ऐसा बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस जो है वो 3 टाइम्स कब हो जा रहा है, जब प्रॉफिट को हम 5 टाइम्स कर रहे हैं। तो प्रॉफिट को अगर हम 5 टाइम्स करते हैं तो ये प्रॉफिट कितना हो गया पी से कितना हो जाएगा 5 टाइम्स, इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए। अगर मैं इसके हिसाब से कैलकुलेट करूं तो ये हो जाएगा 100% जो कि कॉस्ट प्राइस था प्लस यहाँ पे क्या करेंगे 5P। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है कि जब प्रॉफिट को मैं 5 टाइम्स कर रहा हूँ तो ये सेलिंग प्राइस कितना हो जा रहा है 3 टाइम्स हो जा रहा है, मतलब यहाँ पे जो भी वैल्यू होगा ये क्या होगा उसका 3 टाइम्स होगा, ठीक है। तो अभी हम इसको रेशियो के टर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस 100 है और यहाँ पे प्रॉफिट डिवाइडेड बाई ये केस में जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है 100% प्लस 5P और इसका रेशियो कितना हो जाएगा 1/3, मतलब अगर ये 1 है तो ये 3 टाइम्स हो गया, मतलब क्या हो गया 3 हो गया। अभी सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग पी का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो देखो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो गया 300 प्लस 3P और ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 100 प्लस 5P। पी वाले को एक साइड लेके चले जाते हैं, 5P में से ये 3P माइनस होगा क्या हो गया 2P और इसको अगर आप इधर लेके आओगे तो ये कितना हो जाएगा 200, तो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या मिलेगा ये 100, इसका मतलब जो प्रॉफिट का वैल्यू था वो कितना था 100% था। तो देखो इस टाइप का क्वेश्चन ये सब देखने में वन लाइनर है लेकिन बहुत कंफ्यूजिंग होता है, तो इसको और ऐसा क्वेश्चन अक्सर आजकल पूछा जा रहा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना चाहिए। देखो मैं फिर से बता दे रहा हूँ, यहाँ पे ये बोला था कि यहाँ पे देखो लैंग्वेज ऐसा बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस बिकम 3 टाइम्स प्रॉफिट बिकम 5 टाइम्स, मतलब हमको थोड़ा इसको इस तरीके से समझना होगा कि जब प्रॉफिट 5 टाइम्स हो रहा है तो सेलिंग प्राइस क्या हो जा रहा है 3 टाइम्स हो जा रहा है। तो मैंने सिंपली कॉस्ट प्राइस को 100 लिया या 100% लिया, अगर प्रॉफिट पी का है तो सेलिंग प्राइस 100 प्लस पी और अगर ये 5 टाइम्स हो रहा है मतलब 5P हो रहा है तो 100 प्लस 5P और इस केस में जो सेलिंग प्राइस है इसका 3 टाइम्स है, मतलब ये अगर 1 होगा तो ये वाला कितना हो जाएगा 3। सिंपली यहाँ से आप लोग पी का वैल्यू निकाल सकते हो। ऐसा मैक्सिमम क्वेश्चन जो है अगर आप ये अप्रोच यूज़ करोगे तो देखोगे बहुत जल्दी सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, ये सिंपल इंटरेस्ट का दिया हुआ था और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है जिसको आप मेंटली कर सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पे क्या देख रहे हो, आपको दिया हुआ है सम अप मनी डबल इटसेल्फ इन 20 ईयर फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो देखो सबसे पहले अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट का बेसिक डेफिनेशन पता है तो ये क्वेश्चन मेंटली हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो बेसिक डेफिनेशन ये होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट पर ईयर इन टर्म ऑफ परसेंट, मतलब जो भी पर ईयर का इंटरेस्ट है अगर आप उसको परसेंट बना दोगे तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो देखो इसको अगर मेंटली बनाना होता तो मैं ऐसे सोचता कि सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 20 ईयर, मतलब अगर मेरा 100 रुपीज़ है और वो डबल हो जाना मतलब 200 हो गया, मतलब मुझे इंटरेस्ट कितना मिला 100 रुपीज़ का मिला और ये 100 रुपीज़ का इंटरेस्ट कितने ईयर में मिला 20 ईयर में, तो 1 ईयर में मुझे कितना मिलेगा 100 रुपीज़ 20 में मिला तो 1 ईयर में कितना मिलेगा 100/20 विच इज 5 और वही रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। देखो मैं इसी को लिख के बता दे रहा हूँ, जैसे मान लो यहाँ पे बोला सम ऑफ मनी बिकम डबल, तो अगर मान लेते हैं मेरा 100 रुपीज़ था तो वो डबल हो गया मतलब कितना हो गया 200 हो गया, ठीक है। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट का प्रॉब्लम हो या कंपाउंड इंटरेस्ट का, हम लोग मेरा फोकस इंटरेस्ट पे होता है, तो यहाँ पे देखो इंटरेस्ट हम लोग को कितना मिल रहा है, मान लो मैंने 100 रुपीज़ बैंक में डाला और वो 200 हो गया, तो ऐसे ही थोड़ी हो जाएगा, इसमें आपको इंटरेस्ट मिला होगा कितने का मिला 100 और ये जो 100 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिल रहा है कितने साल में मिल रहा है 20 ईयर में मिल रहा है, तो 1 ईयर में आपको कितना मिलेगा 100/20 विच इज 5 रुपीज़। और देखो प्रिंसिपल को 100 मानने का यही फायदा होता है कि 100 एक ऐसा नंबर है कि उसमें जैसे मान लो ये 5 का मुझे पता करना है 100 का कितना परसेंट है तो क्या होगा 5% ही होगा, जो भी नंबर लो 100 का क्या होता है
जो नंबर होगा वही क्या होगा, परसेंट के टर्म में भी वही सेम ही होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ से मुझे पता चल जाएगा कि इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना हो जाएगा, 5%, ठीक है। या फिर डायरेक्ट आप ऐसे भी सोच सकते थे कि अगर प्रिंसिपल 100% है तो डबल हो जाना, मतलब अमाउंट कितना हो जाना, 200% हो जाना, इसका मतलब इंटरेस्ट कितना मिलना, 100%, कितने ईयर में, 20 ईयर में, तो 1 ईयर में कितना मिलेगा, ये 5%। और 1 ईयर का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, मतलब 1 ईयर का जो इंटरेस्ट होता है इन टर्म ऑफ परसेंट, उसी को हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से मिसलेनियस का ही है, ये परमुटेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे बोल रहा है, इन हाउ मेनी डिफरेंट वे द वर्ड कॉफी कैन बी अरेंज्ड सो दैट वॉवेल ऑलवेज कम्स टुगेदर, कॉफी। तो देखो इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जैसे मान लो आपको क्या बोल रहे हैं कि कॉफी को आप किस तरीके से अरेंज कर सकते हो ताकि वॉवेल एक साथ होना चाहिए, मतलब आपको एक कंडीशन दे दिया। तो याद रखना, कभी भी अगर आपको कंडीशन दिया जाता है तो इसको हम लोग कंडीशनल परमुटेशन बोलते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी कंडीशन है उसको सबसे पहले एक साथ लिखते हैं और वो 1 यूनिट रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली क्या करेंगे, वॉवेल को एक साथ लिख लेंगे, तो ये क्या हो गया, CFF, और यहाँ पे क्या हो गया, OEE, ठीक है। इसको मैंने एक साथ लिख लिया, और इसके बाद इसको कितनी तरीके से अरेंज कर सकते हैं उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपली काउंटिंग करते हैं। कैसे काउंट करेंगे, देखो ये हो गया 1, 2, 3, और ये जो आपने कंडीशन लिखा है ये 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा। तो आप क्या बोलोगे, ये 1, 2, 3, ये कितना हो गया, 4, तो ये हो गया फैक्टोरियल 4। उसके बाद सिंपली आप देखोगे कि ब्रैकेट में आपने कितना लिखा है, 1, 2, 3 लिखा है, तो इसके लिए आप मल्टीप्लाई क्या करोगे, फैक्टोरियल 3। और परमुटेशन में जैसा कि आप लोग को पता ही होगा कि अगर कहीं रिपीटेशन होता है तो हम लोग को डिवाइड भी करना होता है। तो यहाँ पे देखो F2 टाइम रिपीट कर रहा है और E2 टाइम रिपीट कर रहा है, तो ये जो F2 टाइम रिपीट कर रहा है इसके लिए आप करोगे फैक्टोरियल 2, और ये E2 टाइम्स रिपीट कर रहा है इसके लिए भी क्या लिखोगे, फैक्टोरियल 2। तो अभी देखते हैं ये फैक्टोरियल 4 का मतलब कितना होता है, 4 × 3 × 2 × 1, या फिर आप डायरेक्ट अगर इसका वैल्यू देखो, फैक्टोरियल में आप लोगों को 7 तक का वैल्यू याद कर लेना चाहिए ताकि कैलकुलेशन जल्दी हो जाए। तो फैक्टोरियल 4 जो होता है ये 24 होता है, फैक्टोरियल 3 जो होता है ये 6 होता है, फैक्टोरियल 2 का मतलब 2, और ये फैक्टोरियल 2 का मतलब 2, ये 2 × 2, 4 से ये कट जाएगा 6 टाइम्स, और इसका आंसर क्या होगा, 36। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो भी मिसलेनियस का ही है और सिंपल इंटरेस्ट का ही क्वेश्चन था। तो जैसा कि आप देख रहे हो आपको लिखा हुआ है, ए इन्वेस्ट ऑन सम स्कीम एट 5% एंड बी एट 3% फॉर 2 ईयर। इफ टोटल सम इन्वेस्टेड बाई ए एंड बी इज 4,000 एंड सिंपल इंटरेस्ट रिसीव इन बोथ इज सेम, फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड बाई ए। मतलब क्या है कि देखो दो लोग हैं, एक ए है और एक बी है, दोनों का मिला के जो पैसा है वो कितना है, 4,000 है। दोनों ने 4,000 को ए और बी दो इन्वेस्ट कर रहे हैं। किस तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हैं, ए जो है वो 5% पर एनम के हिसाब से इन्वेस्ट कर रहा है और बी जो है वो 3% पर एनम के हिसाब से इन्वेस्ट कर रहा है, और दोनों जो है वो 2 ईयर के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। और आपको ये बोल रहा है कि इफ एंड सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड इन बोथ केसेस सेम, दोनों से जो सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, सेम। देखो नॉर्मली इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होता है वहां पे दो ही कंडीशन देता है, या तो आपको बोलता है कि सिंपल इंटरेस्ट सेम है या फिर आपसे बोला जाता है अमाउंट सेम है। दोनों में थोड़ा डिस्कस कर ले रहा हूँ। तो जैसे मान लो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 5% पर एनम। नॉर्मली सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, पर एनम में होता है, मतलब एक साल में अगर इसको 5% का इंटरेस्ट मिल रहा है तो 2 साल में कितना मिलेगा, इसको मिलेगा 10%। और ये किसका 10% होगा, देखो यहाँ पे मुझे पता नहीं है कि 4,000 में कितना यहाँ पे इन्वेस्ट किया और कितना यहाँ पे इन्वेस्ट किया। तो थोड़े टाइम के लिए मान लेते हैं कि यहाँ पे ₹1 इन्वेस्ट किया होगा और यहाँ पे ₹2 इन्वेस्ट किया होगा, मतलब ये जो भी 10% आएगा वो किसका होता है, प्रिंसिपल का, मतलब 10% ऑफ क्या होगा, ए, इतना उसको इंटरेस्ट मिलेगा। और यहाँ पे इसको कितना इंटरेस्ट मिलता है, देखो ये 1 ईयर में कितना मिल रहा है, 3%, तो 2 ईयर में कितना हो जाएगा, 6%, तो इसको मिलेगा 6% ऑफ यहाँ पे जो भी पैसा होगा बी, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा मैंने मतलब दो कंडीशन देता है, यहाँ पे बोला था कि सिंपल इंटरेस्ट जो भी मिल रहा है ये दोनों क्या है, इक्वल है, तो हम लोग सिंपली इसको इक्वेट कर देंगे। लेकिन अगर आपको बोलता है कि अमाउंट इक्वल है तो अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल को नॉर्मली ऑलवेज हम लोग 100% मानते हैं, तो मान लो अगर यहाँ पे उसको 10% का इंटरेस्ट मिल रहा था और 100% क्या होगा उसका प्रिंसिपल, तो अमाउंट कितना हो जाता, 110%। तो हम लोग बोलते हैं अगर अमाउंट इक्वल है तो यहाँ पे लिखते हैं 110% ऑफ ए इक्वल टू 106% ऑफ बी, और फिर सॉल्व करते। खैर यहाँ पे मुझे इंटरेस्ट बोला था
तो इंटरेस्ट के हिसाब से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से सिंपली हम लोग ए बाई बी का वैल्यू निकालेंगे। ए बाई बी कितना हो जाएगा, जस्ट बी को मैं नीचे लेके आया, इधर सिक्स यहीं पे रह गया, 6% डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या हो गया 10%। ठीक है, परसेंट से परसेंट कैंसिल आउट होगा, ये भी कट जाएगा, 2 से क्या मिलेगा आपको 3 times 5 times। तो देखो यहाँ से मुझे क्या मिला कि ए इज टू बी जो है उसका रेशियो कितना मिल गया 3:5, और टोटल सम मुझे पता था कितना है 4000 है। तो सिंपली मुझे क्या करना है, ए और बी में डिवाइड कर देना था। तो आप ऐसा सिंपली सोच सकते हो, इसका सम कितना हो रहा है 8 part और टोटल मनी कितना है 4000। तो 8 part का वैल्यू 4000 है, कितने टाइम से, देखो 8 का 5 times 40 होता है, साथ में 2 0, इसका मतलब ए का वैल्यू पूछेगा तो 3 का वैल्यू 500 times करोगे, और बी का पूछता तो 5 का वैल्यू क्या करते 500 times कर देते। आपसे यहाँ पे क्या पूछा था, फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड बाई ए, ए का पूछ रहा है, तो यहाँ पे 3 part का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये 3 part भी क्या होता है 500 times होता, मतलब कितना हो जाता 1500। ठीक है, और वही आपका आंसर था। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, एंजॉय लर्निंग।